गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं स्माइल से प्रभा आज आपके लिए फिर एक नया टॉपिक लेकर के आई हूँ। बच्चों, आज हम बात करेंगे डूइंग वर्ड्स के बारे में। उससे पहले हम समझते हैं कि डूइंग वर्ड्स होते क्या हैं। बच्चों, सुबह से लेकर शाम तक या रात तक आप जो भी काम करते हो, जैसे सोना, जगना, उठना, बैठना, खाना, पीना, ये जो सभी शब्द होते हैं ये हमारे होते हैं डूइंग वर्ड्स, यानी कि क्रियाएँ। अब हम इसको शब्द समझते हैं। डू का मतलब होता है करना और वर्ड्स का मतलब होता है शब्द, यानी कि वे शब्द जो कि आपके काम को दिखाते हैं या दर्शाते हैं। जिन शब्द से या वर्ड से आपका कोई भी काम दर्शाया जाता है उन्हें हम बोलते हैं डूइंग वर्ड्स, और ग्रामर की भाषा में हम इन्हें बोलते हैं वर्ब और हिंदी में हम इन्हें बोलते हैं क्रिया, यानी कि कोई भी काम जो आप करते हो वही डूइंग वर्ड है या वर्ब है या क्रिया है। जैसे अब हम एग्जांपल्स देखते हैं। वेक अप, यहाँ पर एक बच्चा सोकर उठा है यानी कि जाग गया है, इसे हम बोलेंगे वेक अप। दांत साफ कर रहा है बच्चा यानी कि ब्रश करना। उसी तरीके से नहाने को हम बोलते हैं बाथ। यहाँ पर बच्चा कपड़े पहन रहा है, वियर का मतलब होता है पहनना। अब यहाँ बच्चा कपड़े पहन रहा है तो हमने इसे कहा है वियर क्लॉथ्स। ईट का मतलब खाना, और ये बच्चा कुछ पी रहा है इसे हम बोलेंगे ड्रिंक। प्ले का मतलब खेलना, और गो का मतलब जाना। इसी तरीके से हमारे पास कुछ और वर्ड्स हैं जो कि आपके दैनिक जीवन में काम आते हैं, इसीलिए आपको उनको जानना जरूरी है। जैसे कम, COME, कम, कम मतलब आना। DANCE, डांस, डांस मतलब नाचना। JUMP, जंप, जंप मतलब कूदना। READ, रीड, रीड मतलब पढ़ना। PUT, पुट, पुट मतलब रखना। CUT, कट, कट मतलब काटना। WASH, वॉश, वॉश मतलब धोना। HOLD, होल्ड, होल्ड मतलब पकड़ना। GIVE, गिव, गिव मतलब देना। TAKE, टेक, टेक मतलब लेना। तो बच्चों, इन वर्ड्स को आपने सुना, इनको बोलना सीखा और इनके बारे में जाना कि किस वर्ड का क्या अर्थ होता है। आप भी इसी तरीके से इन वर्ड्स का उच्चारण करेंगे, इन्हें समझेंगे और इन्हें अपनी कॉपी में लिख करके मुझे ग्रुप पर भेजेंगे, और जहाँ तक संभव हो सभी बच्चे इन वर्ड्स को बोलने का ऑडियो मुझे ज़रूर भेजेंगे। थैंक यू।